देखिए, हम बात कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। जरा अगला टॉपिक लिखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बस वो बाद में करना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए क्या होता है, डाल्टन साहब ने कहा, देखिए अगर मान लिया आपने किसी बर्तन में 8-10 गैसेस भर दी, ठीक है, एक गैस भर दी आपने, तो गैस के मॉलिक्यूल अपने हिसाब से मोशन करते हैं, मोशन करते हैं तो बार बार वो जाकर के बर्तन की दीवार पर हिट करते हैं, ठीक है, हिट करते हैं तो बार बार उनकी वेलासिटी चेंज होती है। भाई बर्तन दीवार पर टकराए, वापस लौट के आए तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो प्रेशर डालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, 1/3 MN/V (V²)। ये पढ़ा आपने। तो डाल्टन साहब ने कहा अगर आपने कोई एक गैस भरी और उसने जाके बर्तन की दीवार पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया, दो गैस भरो, तीन गैस भरो, बहुत सारी गैसेस भर दो, तो अलग अलग गैसेस उस पर जाकर के अपना प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, तो जो नेट प्रेशर होगा उन सभी के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो किसी एक गैस द्वारा जो डाला गया प्रेशर है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यानी गैस प्रेशर उतना ही डालेगी जितना अकेले डालती है। अकेले अगर बर्तन में भरने पर जितना प्रेशर बर्तन की दीवार पर डालती है, अगर उसको बहुत सारी गैसेस को, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, आपने रिएक्टिंग गैसेस भर दी जाकर के पता चला वो कुछ और बन गई, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये है डाल्टन्स लॉ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बस यही लिख लीजिएगा, लिखिए, इफ द नंबर ऑफ गैसेस हैविंग डेंसिटीज रो वन रो टू अप टू सो ऑन एंड मीन स्क्वायर वेलासिटीज v1 bar square v2 bar square एंड सो ऑन, are mixed up in the same volume, यानी कि in the same volume, then the pressure exerted by the individual gases are P1, P2 up to so on given by P1 is equal to क्या होगा, one by three rho होता है ना, rho v1 bar square, P2 is equal to 1/3। भाई आपने P बराबर पढ़ा है 1/3 MN/V × V²। पढ़ा आपने, MN हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी हो गई, तो डेंसिटी के टर्म में लिख दिया 1/3 रो, ये रो वन है, रो टू इंटू v²² एंड सो ऑन, या एट्सेट्रा लिख दो ज़्यादा ठीक रहेगा, एट्सेट्रा आप ऊपर नीचे करके लिख लो। द रिजल्टेंट प्रेशर P=P1+P2+P3+1 1/3 rho1 v1 bar square plus 1/3 rho2 v2 bar square plus 1। लिखा वेयर P1, P2, P3 आर नोन एज पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। If
एलोन इफ एलोन ऑक्यूपाइड द होल वॉल्यूम, इफ एलोन ऑक्यूपाइड द होल वॉल्यूम, मतलब अगर उसको अकेले उस बर्तन के अंदर डाल दिया जाता तो बर्तन का वॉल्यूम आपने वी माना है, यानी पूरा पूरा उसका वॉल्यूम चलने के लिए मिलता, नहीं मिलता, तो वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करती, पी वन। दूसरी गैस डाल दी जाती अकेले तो पी टू, अब मिक्स करके डाल दिया तो अब ज़्यादा डालोगे तो वॉल्यूम तो रहने के लिए कम हो गया ना, लेकिन वो उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगी मिक्सर में मिक्स करने पर जितना वो अकेले एग्जर्ट कर सकती है, तो ये डाल्टन प्रेशर होगा। ठीक है, इंटर में क्या हाई स्कूल लेवल से भी पढ़ाया जाता है।